नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आई टी जेम फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो जो लोग भी अपने आई टी जेम फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखिएगा, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा जिससे कि आपको पोर्शन ना समझ में आए। ठीक है, तो बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, बढ़िया से डिटेल में आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए आपका हेल्पफुल है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, और भी इन पे बेस्ड आप क्वेश्चन बहुत आसानी से करते जाएंगे गाइस। ठीक है, इस लेक्चर में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़े से अपने कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अपने आई आई टी जैम फिजिक्स और अपने सी यू ई टी और अदर पी जी एंट्रेंसेस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर सी एस आर नेट गेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं गाइस। अगर आप चाहें तो लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा गाइस, हमारे एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा, राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, या फिर राज फिजिक्स आप ऐप जाके सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां पे आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसके थ्रू आप वहां पे डाउनलोड करके जाके हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं गाइस अपने क्वेश्चंस पे, बढ़िया से समझते हैं अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, ये जो आपका क्वेश्चन है आई टी एग्जाम फिजिक्स 2006 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ई के रिलेशन, मतलब कि जो आपके पास एनर्जी है, जो आपका वेव वैक्टर जो रिलेशन आपके पास होता है, या फिर जो के है, इसको कई बार प्रोपगेशन वैक्टर, प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट, बहुत सारे इसके नाम हम दिए जाते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होता है, वो जो आपका स्ट्रक्चर बनता है गाइस आपके ई और के बीच में, एग्जैक्टली वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप वहां पे बोल सकते हैं उनके बीच में बन रहा होता है। ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है ई और के बीच में, जो रिलेशन है आपका, कुछ इस तरीके से दे रखा है गाइस। यहाँ पे ई इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास एच क्रॉस स्क्वायर के इन ब्रैकेट 2k-3/2m। हमें यहाँ पे क्या बात करनी है गाइस, यहाँ पे द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। तो आपको यहाँ पे एनर्जी दे रखी ही है और बोला क्या है कि आप यहाँ पे इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताइए गाइस इस क्रिस्टल के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इफेक्टिव मास जो फॉर्मूला होता है वो आपका कितना होता है गाइस। तो सबसे पहले जो आपका इफेक्टिव मास है उसको हम एम स्टार से डिनोट करते हैं, ऐसा आप जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला है एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एनर्जी का के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन, ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ई वाले पोर्शन को थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं, काम करते हैं एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये जो आपका के इधर था इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2k² - 3k। इसी को हम अब 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m, यहाँ पे 4k-3, एंड एक बार अगर और कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा इस यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m × 4, तो ये आपके पास 2 हो जाता है गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आपका कितना है 2h² / m हो जाता है गाइस। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव में जान चुका हूँ, अब मैं अपना चाहूँ तो जो इफेक्टिव मास है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ गाइस, कितना है सॉरी h² / 2h² / m। h²² से आपका कट गया, m² = m/2 हमारे पास आ जाता है गाइस। ठीक है, तो जो मेरे पास इफेक्टिव मास है इस क्रिस्टल में अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आपका m² = m/2 आ जाता है। ये जो फॉर्मूला है ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स, या फिर हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे वहां पे स्टडी मटेरियल सेक्शन में, ये आपको पीडीएफ के जो भी सॉल्यूशन है सारी चीजें आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द ट्रूथ टेबल फॉर द गिवन सर्किट, ये जे है ये के है, इज यहाँ पे जो आउटपुट है आपका क्यू मिल रहा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जे और के है ये सब आपके इनपुट है, और ये जो आपका क्यू है वो आपका आउटपुट है। तो आउटपुट और इनपुट में अब देखना पड़ेगा कि भाई आपका कौन सा करेक्ट हो सकता है, और ये सर्किट भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सर्किट को एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये जी आ रहा है, ये जो आपका के आ रहा है गैस, है ना, ये आपका एंड गेट है। तो मेरे पास ये जो इनपुट है, अब आउटपुट कितना आ जाएगा, जे के हो जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जे बार आ रहा है, क्योंकि ये एक नॉट गेट से होता हुआ आ रहा है गैस यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे के तो है ही, तो यहाँ पे आपके पास ये जे बार के आ रहा है। फिर ये दोनों जो इनपुट है, अब ये एक और गेट से होके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट होगा जे के प्लस जे बार के यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इतना आप दे सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको, अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं मान लीजिए, तो के जे प्लस जे बार, और जे प्लस जे बार इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि जो मेरा आउटपुट है वो मेरा क्यू आ रहा है गैस, क्यू इज इक्वल टू और फाइनल के आ रहा है। तो मगर अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे करेक्ट हो, तो मुझे क्या चेक करना होगा गैस, मेरे पास ना जो क्यू है उसकी वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। अगर जिस भी ट्रूथ टेबल में ऐसा दिखता है वही मैं सही मान लूंगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है गैस, यहाँ पे भी डिफरेंट है। इसमें देखिए के और क्यू आपका बराबर होना चाहिए, यहाँ पे सही है, मतलब कि सी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए आपका बराबर नहीं हो रहा है गैस, ये डिफरेंट हो जा रहा है ना, के आपका यहाँ पे 0, क्यू आपका 1, तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इज राइट। तो थोड़ा सा हमें सर्किट पे भी फोकस करना पड़ेगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती है ये सब। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है गैस, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, इन एन इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर द फ्री करियर कॉन्सेंट्रेशन एन इन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे है जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन है ना, जो आप स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई वी जो आप यूज करते हैं, इसकी बात हो रही है गैस यहाँ पे, ठीक है। तो वही ये नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस तरीके से आपका पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लॉगरिथमिक हमने ले रखा है, ये लॉगरिथमिक हमने इसलिए ले रखा है ना गैस, कि आपके पास ये जो क्वांटिटीज होती है एन वाली, मान लीजिए बहुत लार्जर अगर हो जाती है तो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम लॉग लेके चलते हैं, तो ये थोड़ा सा एक लिमिट में आ जाता है और उससे हम थोड़ा सा ग्राफ में बढ़िया से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये यही कारण होता है कई बार अपनी वैल्यूज को हम लॉग में लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अगर बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं तो हमारे किसी काम की नहीं रहती हैं, तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा उस पर्टिकुलर एक पैरामीटर को छोटा से छोटा बनाने के लिए लॉग ले लेते हैं। तो अब आपके पास देखिए कितनी छोटी छोटी वैल्यूज हैं, जो कि एक ग्राफ पे, एक आपके एक्सिस पे बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट करी जा सकती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लॉग एन है, यहाँ पे आपके पास ये जो दूसरा वाला एक्सिस है ना, देख सकते हैं यहाँ पे 1000/t दिख रहा है गैस, यहाँ मतलब कि अगर मेरे को टेम्परेचर निकालना होगा, तो ध्यान रखिए ये 1000/t इज इक्वल टू, ये मान लीजिए एक टू अगर निकल रहा है किसी, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे 1/t इज इक्वल कितना होगा, 2/1000, मतलब कि 0.00 ये टू आपके पास ये हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप देख सकते हैं गैस यहाँ पे आपके पास ये जो भी वैल्यू, ठीक है, करिए सारी चीजों को थोड़ा सा। तो इसमें वही है गैस, आपके पास बैंड गैप हमें चाहिए, तो इनका एक फॉर्मूला होता है गैस यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन आपके इंट्रांजिक सेमी कंडक्टर में आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। एन आई बोल सकते हैं या फिर स्मॉल एन बोल लीजिए, इसका इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एन सी एन वी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी अपॉन 2 KT। यहाँ पे जो के लिखा है मैंने गाइस, ये आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और ध्यान रखिए ये जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम यूज करने वाले हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके हिसाब से ही वैल्यू हम ला सकते हैं, और हमें जो फाइनल आंसर है बैंड गैप वो भी आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ रहा है, तो हमें बीच में कहीं पे कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना शुरू से ही जो रिलेशन दिख रहा है वो आपका बैंड गैप जो है, आपका जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है वो सब आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन आसान बन जाता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन पॉसिबल हो सकते हैं गैस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें एक फाइनल आपके पास वैल्यू बन सकती है और एक आपकी इनिशियल वैल्यू बन सकती है, मतलब कि एक आपका इनिशियल ये ले लीजिए और एक आपका फाइनल ये ले लीजिए, पॉसिबल है। अब देखिए मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ना गैस, ये जो ग्राफ है वो लॉग में दे रखा है, तो अब मैं जो अपना फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया, इसमें हमें लॉग बनाना पड़ेगा, इसका कुछ उपाय तो करेंगे तभी तो हो सकता है हमारे पास। और जो आपके पास ये 1000/t है, तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अगर पॉइंट पे होते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3/1000 कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब 1/T2 आप लेके आ सकते हैं, ये जो आपका मान लीजिए T1 और ये आपका T2, तो T2 और T1 आप इसकी यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे ये जो पॉइंट है गैस यहाँ पे, इनको आप ये समझ के चलिए कि ये आपका क्या लेके आएंगे, ये 1/T1 आप लेके आएंगे गैस यहाँ पे, और ये आपका 1/T2 आप लेके आएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे पास 2/1000 और आपका 3/1000 आपके पास मिलने वाला है, ठीक है।
तो अपने फॉर्मूलाज को थोड़ा सा देख लीजिए, आपके पास जो आंसर है ये मैंने तो आपको बता ही दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं गाइस, क्योंकि मेरे पास ये जो एन सी एन बी है ये दोनों कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। हमारे पास ये कुछ नहीं बचता है, हमें बस यहाँ पे बैंड गैप और अपने जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी आपको भाई हम रिप्लेस तो कर ही देंगे अपना 1/T के साथ जो वैल्यू दिख रही है। अब देखिए ये जो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी अपॉन में 2 KT देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे अगर मैं एन वन करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो रिलेशन आपके पास बन जाता है ये एन वन बाई एन टू मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। ये एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे मान लीजिए माइनस ई जी, ठीक है, अपॉन में 2 KT1 आप इसको कर लीजिए, और ये आपका एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी अपॉन में 2 KT2। अब ये जो वैल्यूज है गाइस आप देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल तो हो ही जाएगा, और ये जो पोर्शन है आपका एक्सपोनेंशियल ये अगर ऊपर जाता तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए ई जी अपॉन में 2 K कॉमन ले लिया, और ये जो आपका ऊपर जाता है तो ये 1/T2 ये पॉजिटिव है गाइस, ये ऊपर तो मैंने आपका पहले से ही है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये 1/T2 माइनस 1/T1, तो अभी मेरे पास ये काम नहीं हो पाएगा गाइस, मैं तो अब काम करने वाला हूँ कि यहाँ पे अब लॉग ले लेता हूँ एक सिंपल सा, मतलब यहाँ पे बन जाएगा, या फिर ये भी आप बोल सकते हैं ना, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल मैं अगर इधर लेके जाऊं तो ये लॉग बन जाएगा, और इधर आपके पास ये पूरा पर इसका जो पावर है ये रहने मतलब देखने को मिल जाएगा। तो ये जो रिलेशन है गाइस आपका ई जी अपॉन में 2 K × 1/T2 माइनस 1/T1, तो यहाँ से बस मैं ई जी निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास ये जो 2 K होगा इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 2 K log N1/N2 यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, एंड ये जो पोर्सन होगा गाइस यहाँ पे अगर ई जी के साथ मल्टीप्लाई में था तो अगर उधर भेजता हूँ तो वो डिवाइड आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये 2 हो जाता है, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ दिया गया था, N1/N2 जो दिया गया था, ये देखिए ln N1/N2, इसका मतलब ये है कि ln N1 माइनस ln N2, जी आप यहाँ पे बोल सकते हैं गैस यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी आपके पास ये पॉइंट्स हैं आप ले सकते हैं यहाँ पे, जो भी आपका N1 N2 मैंने ले लिया है यहाँ पे, जो भी आपका फाइनल और इनिशियल आप इसको बोल सकते हैं गैस यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये जो भी आपके पास ये वैल्यू थी 36.5 और ये आपका माइनस 32.5, और उसके बाद 1/T2 मतलब कि 0.003 आपके पास आता, और ये आपका 0.002 ये आपके पास इस तरीके से आ जाता है, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 × मतलब 0.001, तो इसको आप 1 × 10⁻³ रख सकते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका 2 × this and 10⁵, और यहाँ पे आपके पास 4 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आपके पास रिजल्ट ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे, आराम से यहाँ पे अपनी पूरी पूरी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फाइनल आपका कितना रिलेशन आया गया यहाँ पे, फाइनल जो रिलेशन है मेरे पास 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास ये मिल रहा है, इस तरीके से मैं वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बस यहीं पे ये है ना कि ये जो N1 N2 जो कि हम लेके चल रहे हैं इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिया, ये आपका इनिशियल आप ले लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये मैं अपना N1 N2, या फिर अगर ये N1 में ले लेता हूँ गैस यहाँ पे, ठीक है, ये N1 यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मैं N2, और ये मेरा T1 है, ये मेरा T2, ठीक है। मैं अपने अपने रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, क्योंकि ऐसे नहीं करूँगा तो फिर मेरा रिजल्ट माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में अगर आता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उसको मैग्नीट्यूड लेके आ सकते हैं गैस वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिलेशंस मिल जाएंगे, हम अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में है फर्मी एनर्जी ऑफ अ सर्टेन मेटल M1 इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड मेटल M2 हैज इलेक्ट्रॉन विच इज 6% हायर देन दैट ऑफ M1। तो यहाँ पर वही चीजें आना पे गाइस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बात हुई कि 6% वो हायर है M1 वाला जो भी आपके पास था सर्टेन मेटल था, तो M1 में जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन थे अब M2 में ना आपके पास 6% हायर है, तो अगर मैं M1 में देखता हूँ जो भी इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ तो वो एक तरीके से आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, तो कॉन्सेंट्रेशन को ही हमें हायर करना है। तो पहला आपका N1 तो ठीक है, लेकिन N2 की अगर बात करता हूँ तो N1 + 6% ऑफ N1, तो ये आपका बेसिकली N1 + 0.06 N1, तो N2 = 1.06 N1 मेरे पास भी हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो भी एनर्जी है फर्मी एनर्जी की वैसे बात हो रही है यहाँ पे, तो फर्मी एनर्जी का आप जो फॉर्मूला जानते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी इज EF = H²² / 2m³² n³ अगर यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू अगर मान लीजिए नहीं पूछी गई होती, यहाँ पे N/V भी आप कर सकते हैं गैस यहाँ पे, तो हम अपने दोनों मेटल्स के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास ना जो
आपका फर्स्ट मेटल था M1, जो आप मेटल कंसीडर करके स्पेसिफिक मेटल है वो आपके पास, तो उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है, मैं N1 सपोज कर लेता हूँ, जो उसकी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी, वो आपकी EF1 ले लेता हूँ। और जो दो में दोनों मेरे पास है, जो दूसरा वाला है M2 वाला, जो दूसरा मेटल है मेरे पास M2, उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है आपकी वो N2 ले लेते हैं, और आपका जो फर्मी एनर्जी है वो आपका EF2 में ले लेता हूँ, एग्जाम्पल। तो दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, पॉसिबल है? तो इस तरीके से EF2 अपन में EF1, तो आपके पास जो चीजें सेम टू सेम होगी वो तो हम कैंसिल आउट करा लेंगे, ये आपका पूरा चला जाएगा। इसमें भी 3π² और 3π² ये पूरा ऊपर नीचे से चला जाएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है, N2 की पावर 2/3 और N1 की पावर 2/3। यहाँ पे जो अभी N2, अभी मैंने आपको बताया 1.06 N1, तो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ 1.06 N1, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका इसका भी पावर 2/3, इसका भी पावर 2/3, तो N1 से N1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 1.06 की पावर 2/3 बचेगी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये जो रिलेशन है आपका, ये EF2 / EF1 इज इक्वल टू कितना आया, 1.0396। अब मैं इस EF1 को इधर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मेरे पास जो EF1 था फर्मी एनर्जी पहले वाले मेटल के लिए, वो मेरा दिया गया था, तो फाइनल जो मेरे पास फर्मी एनर्जी होगा ना गाइस, अब मेरे पास जो दूसरे मेटल के लिए है वो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। तो हाँ, फाइनल हमारा जो रिलेशन है गाइस वो कितना हो रहा है, 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास ही हो जाता है, ठीक है। तो जो इसका फॉर्मूला मैंने बताया है वो ध्यान रखना है, और इसमें जो जो चीजें हैं, कई बार ऐसी चीजें बनाई जा सकती है, वॉल्यूम का रिलेशन आपको पूछा जा सकता है, जो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे N/V आपके होंगे, वो भी चीजें बदली जा सकती है। और ये जो अगर आप चाहें, जो एच क्रॉस आपको दिख रहा है, ये आप चाहें तो अपना जो प्लैंक कॉन्स्टेंट है उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो आपका फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप बोल सकते हैं इसको, गाइस, ठीक है। इसको आप कभी गलती से भी मत छोड़िएगा, इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज दिख रही है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दो आपके गेट दिख रहे हैं गैस, ठीक है। अगर मैं इनपुट इनको दे देता हूँ, मान लीजिए ये ए दे देता हूँ, ये मैं बी दे देता हूँ, तो ये एक नैंड गेट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए बी बार ऐसा कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे, ये तो अब और तो है, लेकिन उससे पहले ही हमने नॉट गेट लगा रखा है यहाँ पे, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि अगर ये ए है ये बी, तो इसमें जो इनपुट जा रहा है वो आपका ए बार और बी बार जा रहा है, आप सिंपल बात कर सकते हैं। तो ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ये आपका ए बार प्लस बी बार आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो आंसर है गाइस, उसमें आपको क्या दिख रहा है, गेट बस नाम दिखाना है। तो ये ए बी बार जो है, ये एक नैंड गेट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका मुझे पता नहीं चल रहा है, ये ए बार प्लस बी बार हमें नहीं पता ये कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम इसमें थोड़े से रूल्स अगर ध्यान दें, तो उससे हम थोड़ा सा कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे एक आपके पास रूल आ जाता है, आई होप आपने डिमॉर्गन थ्योरम के नाम में मतलब थोड़ी सी चर्चा देखी होगी, ये आपका इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हो जाता है, तो आप जान सकते हैं गाइस वहां पे कि हमारे पास ना डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो आपका ए बार प्लस बी बार होता है वो बेसिकली आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। अब मुझे ये पता है कि ये आपका क्या है, फिर से ये आपके पास ये नैंड गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा जो आंसर है वो आपका नैंड पहला भी है, दूसरा भी आपका नैंड ही है। तो फिगर 1 ऑल्सो रिप्रेजेंट्स नैंड गेट, और जो आपका फिगर 2 है वो भी आपका नैंड गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जी हमारे क्वेश्चन थे गाइस आज के इस लेक्चर में, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे जो कि आपको काफी हेल्प करते रहेंगे गाइस आपके एग्जाम में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस और मैं अपलोड करने वाला हूँ, और भी हमने पहले भी अपलोड कर रखा है, तो आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। आप सभी के लिए एक नया क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर जो लोग भी IIT JEE 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्रैश कोर्स मैं अपने 1 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप CUET और अदर PG इंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं अपने 23 के लिए, तो उनके लिए भी एक आपका नया लाइव बैच आपका स्टार्ट हो रहा है गाइस आपके 15 सितंबर से, ठीक है। और जो लोग अपने IIT JEE Physics 24 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी लाइव बैच आपका चल रहा है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं हमारे चैनल पे, हमारे एप्लीकेशन पे जाके, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।